ओके, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हमें जाना था राइड पे। यार नहीं यार, ये नहीं होना था। कॉफी, ड्रोन इज रेडी, कैमरा ऑलवेज रेडी। ओके, तो भगवान नहीं चाहता मैं आज राइड करूं। 10-15 मिनट रुकते, नहीं रुकती तो कैंसिल। ओके, तो ये मेरी छत है, मेरे वाटरप्रूफ शूज है इसलिए बचा हूं। पूरी की पूरी मतलब भर चुकी है पानी से और पूरे आधे घंटे से ऊपर खड़ा हूं, भैया से बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली बारिश आ रही है, एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। तो ये वाला सीन है, मोस्ट प्रोबेबली राइड कैंसिल है, बट एक ऑप्शन है हमारे पास। ओके, सो प्लान 2 इज हियर और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बारिश में गाड़ी का अलग ही मज़ा है, चाहे बारिश धीरे हो या तेज़ हो। ओके, सो बहुत कंफर्टेबली चला रहा हूँ, 30-40 पे नहीं जा रहा, उससे ही कम चला रहा हूँ, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है और काफ़ी टाइम बाद गाड़ी बारिश में चला रहे हैं। तो अभी जा रहे भैया के घर, भैया को उठाते हैं, फिर चलते हैं अपा 80 एथो दो राइट लेफ्ट लेके मूर्तल, बिकॉज भाई साहब पूरे हफ्ते घर पे रहा हूँ और मन कर रहा है बाहर जाने का, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, आई डोंट केयर। और ब्लॉग भी नहीं बना भाई, और आपको पता है ब्लॉग इज़ लाइक माई बिजनेस, और बिजनेस ही नहीं होगा पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सपने कहाँ से पूरे होंगे भाई। भाई साहब पानी देख रहे हो, इतना पानी भर गया भाई साहब, मतलब फ्लाईओवर का भी नीचे ही आ रहा पानी। वैसे ड्राइविंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे को 1% भी, बट पानी आ रहा है ना तो मतलब ऐसे छराटे जा रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है, अलग ही एक्सपीरियंस है और हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ जी सर, 5 महीने बाद निकल के कैसा लग रहा है? ऑसम ऑसम। रैंडम व्लॉगिंग इज द बेस्ट व्लॉगिंग, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ। अब दोबारा बनाइए उसको ना, ये तो डलेगा। तो मेरा सिर्फ एक है, इसमें से 3 भैया के हैं। नहीं भाई, बराबर खा रहे, क्योंकि आज जो वेट करा है इसके लिए उसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद से राइडिंग स्टार्ट, हर बंदा यही कह रहा है किसके बाद से राइडिंग स्टार्ट है, और वो कभी नहीं होगा, वो ही लगता है बिल्कुल। अरे इन पे ना कैरी का वो वाला डायलॉग जसता है, पैसा बर्बाद, शादी में कुछ नहीं खाया मेरी बहन की, ठीक है। मेरी बहन आई थी घर पे, घर पे इतना तगड़ा खाना हुआ, मेरे को लेके गया सब भी खाने, ठीक है, विटामिन पिल्स रॉ रॉ ब्लडी रॉ, क्या प्रोटीन रेगुलरली रह रहे थे मेरे सामने, फिश ऑयल, लॉकडाउन में सब भट्टा डाल कर दिया, कर लिया पैसा डाल, पैसा बर्बाद, हम करके दिखाएंगे ये पैसा बर्बाद नहीं, बॉडी बना के दिखाएंगे। ओके, सो ये मेरा सबसे फेवरेट बोर्ड है, वेलकम टू दिल्ली, लेकिन ये बोर्ड हम फिर से देखेंगे आई थिंक मंथ एंड में, बिल्कुल लास्ट डेट में, क्योंकि हम राइड करके वापस आएंगे, होपफुली सब ठीक जाए और बहुत मज़ा आएगा यार, एक्साइटमेंट तो हाई लेवल है। रेड लाइट हो गई, सही टाइम पे रुक गए हम, एक्साइटमेंट इस बात की भी है क्योंकि एक दिन और
कम आ गया, यानी 25 से 24 आ गया। सो मेरे को आज तक लगता था कि इंसान ही दोगले, लेकिन मौसम भी दोगला है। अब देखो इतनी तगड़ी धूप आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है यार। दोपहर को बारिश हो जाती है हमारी इतनी तगड़ी राइड, क्योंकि आज की राइड पे पता है मैं इतना एक्साइटेड क्यों था। Z900 आया भूसा और बैंगली 600 आई और भैया की डोमिनार, मेरी Z900 और हम जा रहे थे रिसाइकिल कैफे। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला था राइड पे, जो कि सबका सब धरा रह गया। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि मेरे को आ गया है काम। मैं भैया के पास बैठा था, हमने बहुत ही ज्यादा गाने वाने गाए गिटार लेके। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो कर लो, और हाँ कर लो, जल्द से जल्द कर लो। ओके सो बता नहीं सकता कि इतनी तेज नींद आ रही है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाया। किस लिए कि भाई सुबह राइड है, सुबह राइड पे जाना है। 5:30 बजे मेरे को भैया के पास होना था, और अभी इतनी तगड़ी नींद आ रही है ना, घर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और सो जाएंगे। व्हाइल यू आर डूइंग वर्कआउट, स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके सो आज प्लान था ड्रोन शॉट लेने का, जो कि मैं ले नहीं पाया क्योंकि बारिश एक पल भी नहीं रुकी आज। मतलब होता है ना, ड्रोन जब बारिश हो रही होती है, चाहे छोटी से छोटे ड्रॉपलेट्स भी जा रही हो, तब भी जो है नहीं उड़ाना चाहिए, वरना प्रोपेलर्स पे पानी लगता रहता है, उसकी मोटर खराब होने का बहुत डर है। ओके सो मैं नहा धो के तो आ गया, बट मैं घर पे सो नहीं पाया बिकॉज मेरा घर ओपन टाइप है और मेरी बहन फ़ोन पे बात कर रही है, मम्मी टीवी देख रही है, तो सोने कोई देगा नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खा दाल लेने मेनली, और डाइट भी कंटिन्यू रखनी है, सुबह वैसे पराठे खाने हैं। तो यहाँ पे गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो पूरी ऐसी। आज मैंने इसको ऐसा चलाया ना जैसे एक ऑफ रोडिंग कार को चलाते हैं, फुल पानी में घुसेड़ा है, फुल मज़े में चलाया है, एंड डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस। हम स्कूटी की चाबी उठा रहे हैं, मेरी पार्किंग में किसी ने खड़ी कर दी गाड़ी मेरे एब्सेंस में, तो कामयाब जाओ तो भुगतना पड़ेगा ना। ओके सो पहले मैं अच्छा खासा था, वहाँ से वापस आए ठीक है, सब नॉर्मल था। फिर मैंने क्या करा, मैंने जो है दाल मखनी की जगह शाही पनीर ले आया और 2 रोटी खा ली। फिर मैं ऐसा सोया कि मैं ठीक 8:30 बजे उठा, और उठते मम्मी का ऑर्डर, ए मेरे लिए ये ला दे खाने के लिए, और मैं लेके आया। और मैंने बाइक भी निकाली, बाइक इसलिए निकाली थी क्योंकि भी मैंने आज कवर नहीं डाला था बाइक पे, और पूरी गीली हो गई थी, तो थोड़ी चला के आया तो उसमें से पानी हटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो हम अपनी लाइफ में नेक्स्ट कदम रखने वाले हैं, जो मतलब होते हैं ना लाइफ के ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम रखने वाले हैं, तो उसके लिए एक हेल्प चाहिए। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, मतलब जो कि ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, टी शर्ट्स डिज़ाइन करते हैं, मतलब उनको डिज़ाइन बनाना आता है, उनकी क्रिएटिविटी है उसके अंदर, तो प्लीज़ गाइज मेरे को क्या बोलते हैं मेल करो अपना वर्क, और जितना भी आपका काम करते हो आप, और साथ ही साथ अपने बारे में कि आप कहाँ रहते हो। मेनली मेरे को दिल्ली बेस्ड चाहिए, तो इट्स अ जॉब कि मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा। जॉब होगी, एग्रीमेंट होगा, अच्छे से आप रखे जाओगे, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, तो ये सारा सिनेरियो है। और उसको साथ में एडिटिंग भी आनी चाहिए और फोटो एडिटिंग भी आनी चाहिए, तो ये सारा प्लान है अभी, और देखते हैं कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी खुशी की बात ये है कि 25 से 24 तारीख आधी 50-50 हो गया कि 24 तारीख को जा रहे हैं, देखते क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो यू लाइक इट। आई डोंट नो, जो प्लान था वो तो हुआ नहीं, ये बन गई ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ वर्कआउट, पीस आउट के बाद आपको वर्कआउट का फोटेज दिखेगा, जिसको देखना है देख सकता है। ओके सो आज है संडे और सारे बॉडी पार्ट्स हमने मार लिए हैं 6 दिनों में, 6 दिनों में 6 बॉडी पार्ट्स हमने मार लिए हैं। और अब क्या बचता है, मतलब संडे को और पराठे भी खाए सुबह, वो बचता है कार्डियो, जो कि हम लेने वाले हैं कार्डियो और एप्स। लेट्स सी हाउ इट्स गोस।
और लग गए तगड़े वाले, लग गए पेन हो रहा है बहुत तेज। तीन सेट वो जो फुट का करा था वो कार्डियो भी करना है। अच्छा आज वर्कआउट नहीं करा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थका हुआ था और अब ये